हेलो हेलो एवरीवन, दिस साइड पूनम ग्रोवर फ्रॉम सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, फारुक नगर, गुरुग्राम। टुडे टुडे आई स्टार्ट विद माय लेक्चर नंबर 15 व्हिच आर केम अंडर यूनिट 3, एंड सो द सब्जेक्ट नेम इज VHDL एंड डिजिटल सिस्टम डिजाइन फॉर द ETC 6 सेमेस्टर स्टूडेंट। सो इन माय टुडे लेक्चर I will cover the various topic, that is entity statement, generate statement, aliases and qualified expression. So I can explain these thing one by one. So firstly, I start with my entity statement part. Certain statements that are common to all architectures body of an entity can be inserted into an entity declarations. It means and a common declaration appears in an entity declaration part while other common statement appear in a entity statement part. तो उसने बोला है कि जो statements आपकी common होती हैं वो आपकी entity declaration part के अंदर आती हैं और बाकी की common statement as an entity statement की तरह behave करती हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि suppose करो कि आपने जो मेरी previous video में देखा था, मैंने ये बताया था कि आपका अगर कोई भी program है वो दो part से बनता है, one is called your स्टेटमेंट पार्ट और यू कैन से डिक्लेरेशन पार्ट और अदर वन इज कॉल्ड योर स्टेटमेंट पार्ट। ठीक है, तो आपका डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर क्या होता है कि आप पोर्ट को डिक्लेयर करते हो सबसे पहले, जिस भी एंटिटी है उसके पोर्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। तो वो आपकी मर्जी है कि आप यूजिंग जेनेरिक यूज कर रहे हो उसको उसके लिए या फिर सिंपल पोर्ट डिक्लेरेशन कर रहे हो। उस पोर्ट के साथ आप आइटम भी डिक्लेयर करते हो, सपोज उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू या किसी टाइम की वैल्यू भी साथ में डिफाइन की जाती है, तो दैट इज कॉल्ड योर आइटम डिक्लेरेशन। फिर आपने डिक्लेरेशन के अंदर ही एक बिगिन वर्ड यूज किया है और उसमें एंटिटी स्टेटमेंट्स दी हैं जिसको हमने एंटिटी स्टेटमेंट बोला है। जो ये स्टेटमेंट्स होती हैं ये आपकी आर्किटेक्चर बॉडी में यूज होने वाली स्टेटमेंट से डिफर होती हैं, क्योंकि इन स्टेटमेंट को पैसिव बोला जाता है। इनको पैसिव इसलिए बोला जाता है कि ये स्टेटमेंट जो आपके डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर यूज हुई हैं ये है तो कॉमन लेकिन ये किसी भी सिग्नल को वैल्यू असाइन नहीं करेंगी। Clear? So entity statement must not be a passive statement, must be a passive statement, that is they must not assigning the value to any other statement. Clear? So that's why its name is entity statement. So आगे हम चलते हैं कि हमारे concurrent assertion statement दो तरह की statement होती हैं। इसमें जो आपकी statement आती हैं जो simply किसी चीज को कोई value assign नहीं करती उसको हम passive statement बोलते हैं। तो वो जो statement होती हैं वो हमारे तीन तरह की use होती हैं आपके entity statement part के अंदर, that is called your concurrent assertion statement और इधर concurrent procedure call और इधर प्रोसेस स्टेटमेंट। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी वो यहाँ पे एज एन एंटिटी स्टेटमेंट की तरह क्या होंगी आपकी यूज होंगी। क्लियर? तो अगर मैं आपको इसका एक प्रोग्राम करवाती हूँ तो उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि आपने आप किसी एंटिटी आरएस को डिक्लेयर कर रहे हो लेकिन आरएस का वो वाला पार्ट है जो आपको पता है कि उस पर आरएस वर्क नहीं करेगा, तो उस पार्ट को आपने यूजिंग असर्शन स्टेटमेंट के थ्रू, क्योंकि जो आरएस है आरएस फ्लो हर जगह यूज होता है उसमें जो चीजें आपकी कॉमन है, क्लियर, उनको आपने डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर स्टेटमेंट को डिक्लेयर कर दिया। क्लियर? और जो चीज जैसे सपोज करो वो हर सिस्टम के अंदर जब भी यूज होगा आरएस फ्लो तो हर किसी लिए के लिए कॉमन रहेगा, तो उसमें आपने जैसे मान लो ये आपका आपने आरएस फ्लो की एंटिटी डिक्लेयर की, क्लियर, यहाँ पे तो आरएस फ्लो की एंटिटी जब डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको ये पता है कि जो आरएस में जब दोनों इनपुट्स हाई होती हैं तब आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो वर्क नहीं करता। क्लियर? तो उस स्टेटमेंट को आप किसका पार्ट बना लेंगे? असर्शन स्टेटमेंट का। तो उसने यही बोला है कि आप एंटिटी स्टेटमेंट के अंदर या तो असर्शन स्टेटमेंट यूज करोगे या कॉन्करेंट प्रोसीजर कॉल यूज करोगे या आप प्रोसेस स्टेटमेंट यूज करोगे। तो आपने क्या किया यहाँ पे, एंटिटी आरएस फ्लिपफ्लॉप के नाम से शो किया, पोर्ट के अंदर जाके आपको पता है फ्लिपफ्लॉप की दो इनपुट बिट होती हैं आर एंड एस एज एन इनबिट एंड क्यू एंड क्यू बार एज एन आउटबिट। ठीक है, उसको आपने
टाइप और यू कैन से यहाँ पे आपने आइटम डिक्लेयर किया, आइटम मीन्स उसको आपने डिले की वैल्यू दी है कि हर एक वैल्यू को वो 24 नैनोसेकंड के डिले के बाद क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। और जो टाइप है फ्लिप फ्लॉप की, जो स्टेट जिस स्टेट में वो काम करता है, या तो वो आउटपुट पे 1 शो करेगा या 0 शो करेगा या फिर क्या शो करेगा, अननोन शो करेगा। क्लियर? सो अब उसने बोला है कि हम एंटिटी स्टेटमेंट को आपके डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। ये वो वाली कॉमन स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपके, जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग के अंदर RS फ्लिप फ्लॉप लगाओगे तो सभी के लिए कॉमन पार्ट क्या होगा, आपका सेम होगा, ठीक है। तो आपने असर्शन स्टेटमेंट के थ्रू उस पार्ट को बताया है। आपको पता है कि आपका जब RS हाई पे होता है तब वो नॉट अ वैलिड इनपुट माना जाता है। तो आपने असर्शन स्टेटमेंट के थ्रू बताया कि जब R और S दोनों वन है तो रिपोर्ट के अंदर लिखा आ जाएगा नॉट अ वैलिड इनपुट्स। अगर नॉट अ वैलिड इनपुट्स है तो एट्रीब्यूट के थ्रू एक्सेप्टेबल मैसेज डिस्प्ले होगा, दैट इज शो योर एरर, ठीक है। और एंड RS फ्लिप फ्लॉप, इट मीन्स क्या होगा कि जब जब RS फ्लिप फ्लॉप आपका किसी एंटिटी डिक्लेरेशन पार्ट जब कोई अदर डिजाइनर इसको शेयर करेगा तो हर बार ये 1-1 पे एरर शो दिखाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की उसको, हमने ये पैसिव एक तरह का, वैसे भी आपका जो RS फ्लिप फ्लॉप है वो 1-1 में पैसिव मोड में चला जाता है, वो काम नहीं करता। हमने उस पर्टिकुलर स्टेट को आपकी असर्शन स्टेटमेंट के थ्रू क्या किया है, क्लियर किया है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जैसे सपोज करो कि आपने एक प्रोग्राम और डिक्लेयर किया है जिसके अंदर उसने आपने बोला है कि आप 3 तरह की स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, कॉन्करेंट असर्शन स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, यहाँ जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है ये वाला, दैट इज असर्शन विद द हेल्प ऑफ असर्शन स्टेटमेंट, और नेक्स्ट में आप कॉन्करेंट प्रोसीजर कॉल स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। तो वो स्टेटमेंट आपकी इस तरह की होगी, दैट इज चेक सेटअप डी क्लॉक सेटअप, क्लियर, दैट इज कॉल्ड योर कॉन्करेंट प्रोसीजर कॉल। क्लियर? सो इसके अंदर क्या है कि वही सेम है, आपने जैसे मान लो द कॉन्स्टेंट एंड टाइप डिक्लेरेशन इन दिस एग्जाम्पल आर एग्जाम्पल ऑफ आइटम डिक्लेरेशन विद इन द एंटिटी डिक्लेरेशन, दीज आइटम डिक्लेरेशन आर कॉमन टू ऑल आर्किटेक्चर बॉडी फॉर दैट एंटिटी, आइटम डिक्लेयर बाय दीज डिक्लेरेशन आर ऑल्सो विजिबल टू ऑल अदर डिजाइन यूनिट एसोसिएटेड विद दीज एंटिटी डिक्लेरेशन। इट मीन्स उसने बोला है कि अगर आपने लाइक आइटम जो डिक्लेयर की है आपकी एंटिटी डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर, आपने एक पोर्ट डिफाइन की है, एक आइटम डिक्लेयर की है और एक आपने स्टेटमेंट पार्ट यूज किया है, तो ये तीनों पार्ट अगर आप किसी अनदर डिजाइन यूनिट के साथ शेयर करना चाहते हो तो ये पार्ट आपका हर डिजाइन यूनिट के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। तो हाउ इट इज अ कॉमन, तो कैसे होगा वो देखिए कि आपने एक जो वर्क नाम की लाइब्रेरी में आप काम कर रहे हो, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, आपकी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं वर्क नाम से, आप जो भी काम करते हो वर्क नाम की लाइब्रेरी में जाके स्टोर हो जाता है। तो अगर आपने इस तरह की एंटिटी डिक्लेयर की, आपने उसके अंदर यहाँ पे आपने कॉन्करेंट प्रोसीजर कॉल बताई है, वो आपकी स्टेटमेंट है चेक सेटअप डी क्लॉक एंड सेटअप, ठीक है। डी मतलब कि इनपुट क्लॉक, जिसके अकॉर्डिंग आपके डी जो है वो आउटपुट पे ट्रांसफर्ड होगी, और आपकी आउटपुट को सेटअप होने में कितना टाइम लगा, सेटअप दैट विल बी शो बाय योर सेटअप, ठीक है। तो अगर आप इस तरह का डिक्लेरेशन आप किसी अनदर जो वर्क स्पेस लाइब्रेरी में आप काम कर रहे हो वहां आप यूज करना चाहते हो, तो आप वर्ड लिखोगे यूज वर्क माईपैक, माईपैक में आपने क्या यूज करना है, check setup that particular concurrent procedure call, so by the use of that phenomena we can use your entity, we can share the entity declaration part with port declaration, with item declaration and with concurrent procedure call, you can that part use with the help of your work library that will be bound with your another design unit, clear? तो इसका मतलब यह है कि हम जब भी किसी अनदर डिजाइन यूनिट के अंदर एंटिटी डिक्लेरेशन को शेयर करवाना चाहते हैं तो उस टाइम में ये तीनों चीजें आपकी शेयर होंगी, उसके पोर्ट भी शेयर होंगे, उसके अंदर अगर कॉन्स्टेंट और वेरिएबल आपने डिक्लेयर करवा रखे हैं वो भी शेयर होंगे, अगर आपने कोई कॉन्करेंट प्रोसीजर कॉल डिक्लेयर करवा रखी है तो वो भी क्या होगी, आपकी शेयर होगी। लेकिन शेयर करने के लिए आप क्या यूज करोगे, यूज वर्क माईपैक, माईपैक के अंदर क्या शेयर करवाना है, चेक सेटअप, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जनरेट स्टेटमेंट। जनरेट स्टेटमेंट क्या होती है, जनरेट स्टेटमेंट आप जो होती है वो तब काम करती है जब आप एक ही चीज को रिपीटेड
सॉरी रिपीट मैनर से बार बार यूज कर रहे हो, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, कॉन्करेंट स्टेटमेंट कैन बी कंडीशनली सिलेक्टेड और रेप्लीकेटेड ड्यूरिंग द एलेबोरेशन फेस यूजिंग द जनरेट स्टेटमेंट। इट मीन्स क्या है कि आपकी जनरेट स्टेटमेंट के थ्रू अगर आप अपने प्रोग्राम में जनरेट स्टेटमेंट यूज करते हो, तो या तो जो आपकी स्टेटमेंट है वो कंडीशनली सिलेक्टेड के थ्रू एग्जीक्यूशन होगा ड्यूरिंग एलेबोरेशन टाइम में, या रेप्लीकेटेड एग्जीक्यूशन होगा ड्यूरिंग एलेबोरेशन टाइम में, ठीक है। तो अगर आप रेप्लीकेटेड लाइक रेप्लीकेटेड प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो तो उसके लिए आप फोर जनरेट यूज करोगे, लेकिन अगर आप रेप्लीकेटेड मतलब कि अगर आप इनकी सेम टाइम का प्रोसीजर नंबर ऑफ प्री डिटरमाइंड टाइम नंबर ऑफ टाइम कॉन्करेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज करने वाले हो तो आप फोर जनरेट यूज करोगे, लेकिन अगर आप कंडीशनल सिलेक्टेड बेस एग्जीक्यूशन करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ योर कॉन्करेंट स्टेटमेंट तो आप इफ जनरेट यूज करोगे। क्लियर? तो ये मैंने आपको नीचे आपको जनरेट का एक सिंटेक्स लिखा हुआ है कि जनरेट यूज करने के लिए अपने प्रोग्रामिंग के अंदर आपको जनरेट को पहले किसी लेबल से डिफाइन करना पड़ेगा, फिर फोर वर्ड लिखने के बाद आप जनरेट को आइडेंटिफायर दोगे और उसकी कुछ रेंज बताओगे, डिस्क्रीट रेंज आइदर 3 डाउन टू 0, 4 डाउन टू 0, या लाइक 0 टू 5, 5 टू 6 वगैरह जो भी है। फिर उसके बाद कोई कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स होगी उसके पास, एंड जनरेट होगा, जिस लेबल से उसको स्टार्ट किया था उसी लेबल से वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो अगर आपने जनरेट को जो है रेप्लीकेटेड मैनर से यूज करना है विद अ प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, तो आप फोर जनरेट फोर यूज करोगे, लेकिन अगर आपने जनरेट को विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल सिलेक्टेड के थ्रू एग्जीक्यूशन करवानी है तो आप इफ जनरेशन यूज करोगे। तो ये दोनों चीजें आपको एक प्रोग्राम से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने एक फुल एडर का प्रोग्राम आपके साथ शेयर कर रखा है, तो फुल एडर के अंदर अगर आपने जनरेट यूज करना है तो उसको बताओगे आप कि आपने रेप्लीकेटेड कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन करवानी है या कंडीशनल कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन करवानी है। तो अगर रेप्लीकेटेड करवानी है तो यहाँ फोर यूज होगा, अगर आपने कंडीशनल एग्जीक्यूशन करवानी है तो यहाँ पे इफ यूज होगा। क्लियर? तो आपने क्या किया, अपनी एंटिटी को फुल एडर फोर के नाम से डिक्लेयर किया कि आपने चार फुल एडर यूज किए हैं जो कि चार बिट को ऐड कर रहे हैं। कैसे ऐड करेंगे, जैसे मैंने एक फिगर शो की हुई है A0 B0, उसके साथ प्रीवियस स्टेज की कैरी सी इन ऐड होगी, तीनों के ऐड होने की वजह से फुल एडर में, इट मीन्स रेप्लीकेटेड, इट मीन्स आपका एक ही फिनोमेना बार बार रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए आप अगर एक टाइम जनरेट बता दोगे तो वही जनरेट आपका चार टाइम चलेगा फॉर द फुल एडर फोर के लिए। क्लियर? तो आपने फर्स्ट फुल एडर के लिए आपको कैरी चाहिए, A0 B0 चाहिए, सम 0 चाहिए और कैरी 1 चाहिए। क्लियर? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसे जो फर्स्ट का जो कैरी आ रहा है वो नेक्स्ट का इनपुट कैरी बन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए A1 B1 प्रीवियस स्टेज का कैरी और उसकी आउटपुट क्या आएगी, सम 1 एंड कैरी 2 एंड अदर 1 फॉर सेम। क्लियर? तो उसने क्या किया यहाँ, आपने सबसे पहले अपने ए बी आपका क्या होगा, चार बिट होंगे 0 0 0, जैसे सपोज करो क्वार्टर टाइम 1 ले लिया, आपने 4 बार 1 को 4 बार 0s में ऐड करना है, तो जो फर्स्ट बिट होगी दैट विल बी बिहेव एज एन A0 B0 में ऐड होगी, A1 B1 में ऐड होगी, A2 B2 में ऐड होगी और A3 B3 में ऐड होगी। तो दोनों बिट क्या होंगी आपकी 3 डाउन टू 0, प्रीवियस इसकी कैरी जो होगी वो आपकी इनबिट की तरह काम करेगी और जो सम है वो भी आपका रिजल्ट जो है वो 4 बिट की फॉर्म में आएगा। सो दैट्स व्हाई वी शो हियर 3 डाउन टू 0 और एक आपका कैरी आएगा दैट इज सी आउट बिट, वो तो 1 ही आएगा लास्ट स्टेज पे MSB बिट पे, ठीक है, एंड फुल एडर। फिर आपने आर्किटेक्चर में क्या यूज करना है, जनरेट स्टेटमेंट यूज करनी है, तो आपने फोर जनरेट यूज किया, इट मींस आप अपने प्रोग्राम के अंदर रेप्लीकेटेड कॉन्करेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू क्या करवाओगे, एग्जीक्यूशन करवाओगे। क्लियर? तो कैसे होगा वो भी दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आपने क्या किया, आर्किटेक्चर में फोर जनरेट और फुल एडर लिखा, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर टाइप की प्रोग्रामिंग यूज करोगे, तो आपने कंपोनेंट फुल एडर को क्या किया, डिक्लेयर किया, क्योंकि आपकी फिगर के अंदर जो फुल एडर है वो चार टाइम यूज हो रहा है और स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग के अंदर अगर कोई कंपोनेंट बार बार यूज हो रहा है तो उसको 1 टाइम सबसे पहले क्या लेके आते हैं, डिक्लेरेशन में लेके आते हैं, तो वो आपका क्या होता है, कंपोनेंट डिक्लेरेटिव पार्ट होता है। तो फुल एडर को जब डिक्लेयर करोगे तो हर एक फुल एडर पे आपका ए बी एक कैरी आ रहा है, उससे आपका सम और रिजल्ट कैरी आउट निकल रहा है। तो मैंने क्या किया यहाँ, ए बी एज एन ए बी सी
एज एन इनबिट, जहाँ पे जो सी है वो प्रीवियस टेस्ट का कैरी है, आपका आउटपुट क्या आ रहा है, एक की फुल एडर का, फर्स्ट फुल एडर का, यानी कि ओनली एक फुल एडर का सी आउट एंड सम एंड कंपोनेंट किया, तो आपने उस कंपोनेंट को डिक्लेयर कर दिया। अब आपके जो सिग्नल है, जो आपकी हिडन फाइल्स हैं, वो आपकी देखो फिगर के अकॉर्डिंग कौन सी हैं, कैर वन, कैर टू, कैर थ्री एंड कैर फोर। सो यहाँ पे मैंने कैर फोर और कैर जीरो शो नहीं किया हुआ, कैर जीरो सीन का काम करेगा और कैर फोर आपका कैर सी आउट का काम करेगा, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कैर जीरो को बता दिया कि वो आपका क्या है, सीन है, और जो जनरेट लूप है वो कितने टाइम चलेगा, क्योंकि चार फुल एडर लगेगा तो क्या होगा, वो थ्री डाउन्स टू जीरो। तो एक फुल एडर का आपने पोर्ट में बताया है कि एक फुल एडर में आपका क्या जा रहा है, कार के ए के एंड बी के, कार के आपका प्रीवियस स्टेज का कैरी है, जिसको यूज करने से जब आप तीन बिट के एडिशन करते हो तो आपको नेक्स्ट स्टेज पे कैरी सी आउट मिलता है, जिसको आपने के प्लस वन लिखा है, और एक सम मिलता है, ठीक है जी। आपने जनरेट को विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट इंस्टेंटेनिएशन यहाँ बना दिया, क्लियर, समझ में आया कि ये आपकी बॉडी के अंदर एक फुल एडर को आपने डिक्लेयर किया, उसी को आपने कंपोनेंट इंस्टेंटेनिएशन पार्ट के थ्रू क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, वन टाइम डिक्लेरेशन के अंदर लेके आए कंपोनेंट डिक्लेरेशन को और कंपोनेंट इंस्टेंटेनिएशन को, ठीक है। देन जिस जनरेट को आपने शुरू किया था उसी जनरेट को आप एंड कर देंगे, और लास्ट में जो कैरी आएगा, जो कैरी फोर है, वो आपका सी आउट बन जाएगा और एंड फोर जनरेट हो जाएगा। अब ये आपने ओनली वन टाइम डिक्लेयर किया है, अब इसको आप के की वैल्यू पुट करवा के अपनी कंपोनेंट इंस्टेंटेनिएशन के अंदर प्रॉपर वे से यूज करवाओगे। सो आफ्टर एलेबोरेशन के बाद जो जनरेट स्टेटमेंट वो कैसे यानी कि एक्सपेंड होगी, वो आपके चार पार्ट पे एक्सपेंड होगी। आपको पता है आपका, क्योंकि आपने थ्री डाउन टू जीरो दी किया, तो सबसे पहले फुल एडर थ्री होगा, तो फुल एडर थ्री पे क्या आ रहा है आपका, कैरी थ्री इनपुट, ए थ्री बी थ्री इनपुट, सम थ्री आउटपुट एंड कैरी आउट आउटपुट। तो वहां पे मैंने यही तो लिख रखा है, दैट इज ए थ्री कैरी थ्री ए थ्री बी थ्री एंड कैरी फोर एंड सम थ्री, एंड सेम एज फॉर योर फुल एडर टू, फुल एडर वन एंड फुल एडर जीरो एज पर योर फिगर, ठीक है। तो आफ्टर एलेबोरेशन के बाद विद द हेल्प ऑफ योर जनरेट स्टेटमेंट, ये अपने आप ही फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। तो जब आप इस पूरे फंक्शन को प्रोग्रामिंग में लेके आओगे तो आपको वो चीज क्या हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब आप करोगे कि आप अपनी जनरेट स्टेटमेंट को एज एन कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक की तरह भी यूज कर सकते हो, तो उस केस में इसका क्या फंक्शन होगा, कंपोनेंट इन अ जनरेट स्टेटमेंट कैन बी बाउंड टू एंटिटीज यूजिंग अ जनरेट ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन। अब ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड फॉर ईच रेंज ऑफ जनरेट लेबल, हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच बाइंडिंग यूजिंग ए कॉन्फ़िगरेशन डिक्लेरेशन। यानी कि उसने बोला है कि अगर आप किसी कंपोनेंट को जनरेट स्टेटमेंट में यूज कर रहे हो और उस कंपोनेंट को आपने किसी अनदर डिजाइन यूनिट या अनदर फाइल के साथ आपने बाउंड करना है, शेयर करना है, तो आप किसके थ्रू करोगे, जनरेट ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू करोगे। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले जहां वो कंपोनेंट आपने बाउंड करना है, क्लियर, वो बताओगे कि कॉन्फ़िगरेशन आपकी जनरेट ना, जो जनरेट है वो फुल एडर फोर को बाइंड, कॉन्फ़िगरेशन जो ब्लॉक है वो फुल एडर फोर के लिए है, वो आपका बाइंड होगा जहां वो एंटिटी यूज होगी, जहां वो फुल एडर नाम की एंटिटी यूज हो रही है, वहां वो इस कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक से वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आपका बाउंड हो जाएगा। तो जैसे मान लो यूज वर्क ऑल, तो एग्जाम्पल ऑफ ए डिक्लेरेशन इन द कॉन्फ़िगरेशन डिक्लेरेटिव पार्ट। सो उसने क्या किया कि यूज वर्क कॉल में क्या बता दिया कि जब आप वर्क टाइप की लाइब्रेरी में काम करोगे और उस वर्क नाम की लाइब्रेरी में जब जब आप फुल एडर यूज करोगे, तब तब आपको एक कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक जो है वो फुल एडर को आपकी वर्क नाम की लाइब्रेरी के साथ क्या करता रहेगा, बाउंड करता रहेगा। अब वो कैसे बाउंड करेगा, वो देखिए कि सबसे पहले मैंने अपने फिगर में चार लाइक फ्लिप फ्लॉप लगाए थे ऐड करने के लिए, चार एडर लगाए थे, तो उसने सबसे पहले फुल एडर वन को बताया है। अगर वो फुल एडर वन, जैसे मान लो जो फुल एडर वन है, जैसे मान लो जनरेट उसने बनाया है फुल एडर वन के लिए, तभी उसने फुल एडर वन के लिए जनरेट कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक की फॉर्म में लिखा है, तो यूज कॉन्फ़िगरेशन वर्क, जैसे मान लो आप वर्क नाम की लाइब्रेरी में काम कर रहे हो, उसमें आपने फुल एडर बनाया है विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर और कॉन्कर्रेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू बनाया है, क्लियर। तो यहाँ पे जो फुल एडर आपने अपने जनरेट स्टेटमेंट में यूज किया था उसको यहाँ बाउंड करवाना है,
तो बाउंड करवाने के लिए आपने क्या यूज कर दिया, यूज वर्ड। तो ये फुल एडर जो है वो यहाँ इसके साथ क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो एंड फोर दो बार फोर शुरू है, दो बार फोर क्या हुआ, एंड हुआ। अगली बार क्या किया, जैसे मान लो जनरेट आपने पहले वन के लिए बनाया था, अब जनरेट टू और थ्री के लिए बना रहे हो, इट मीन सेकेंड और थ्री फुल एडर के लिए बना रहे हो, तो उसके लिए आपने ये नहीं बताया कि वो किस तरह के वर्क नाम की लाइब्रेरी में किस वे से डिजाइन हो रहा है फुल एडर, जहां जाके वो फुल एडर क्या होगा, बाउंड होगा। इसमें लिख रखा है नो एक्सप्लिसिट बाइंडिंग, यानी कि कोई भी एक्सप्लिसिट बाइंडिंग नहीं है, तो जो भी फुल एडर है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही यहाँ जाके क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक के थ्रू यहाँ क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। देन एंड फोर अगेन, दो बार फोर एंड। और देखो अब जनरेट जीरो जो है उसके लिए जो फुल एडर है वहां पे आपने फुल एडर डाटा फ्लो के थ्रू बनाया है, ठीक है, तो वहां फुल एडर जाके क्या हो जाएगा आपका, ये बाइंड हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ योर कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक यू कैन बाइंड योर फुल एडर विद नंबर ऑफ ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन, लाइक कॉन्फ़िगरेशन व्हेन वी डिजाइन द फुल एडर विद फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, यहाँ बाउंड होगा। सेकंड पार्ट में आपने कुछ बताया नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही बाउंड हो जाएगा, कोई भी नो एक्सप्लिसिटली बाइंडिंग आपने शो नहीं की हुई है, यहाँ पे आपने बाइंडिंग शो की है फुल एडर विद डाटा फ्लो, तो वहां आके वो बाइंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड फोर और एंड जनरेट बाइंड, यानी कि जहां जहां आपने बाइंड करवाना था वहां वहां आपने उससे पहले यूज वर्क नाम से उसको वहां क्या करवा दिया है, बाइंड करवा दिया है। क्लियर? अब उसके बाद क्या है कि आप उस जनरेट स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ योर सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो। तो द बॉडी जनरेट स्टेटमेंट कैन आल्सो हैव एन अदर कॉन्करेंट, उसको कॉन्करेंट स्टेटमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो आर्किटेक्चर बॉडी के अंदर किस तरह यूज होंगी, एज एन कंपोनेंट इंस्टेंटेनिएशन की तरह। जैसे मान लो आपने जो जनरेट लूप चलाया है उसकी वैल्यू आपने एम ली, ठीक है, उसके लिए आपने थ्री डाउन टू जीरो चला दिया सिंपल, ठीक है, जनरेट जो है जी टू नाम से आपने स्पेसिफाई किया, फोर बनाया, फोर के अंदर आप किस तरह से आप जनरेट फोर के लिए आप किस तरह से आप कॉन्करेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आपका जो सिंपल फुल एडर और फुल एडर का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या आता है, सम की फॉर्म में लिखा जाता है ए एक्सोर बी एक्सोर सी, और कैरी की फॉर्म में लिखा जाता है ए एंड बी सारे का एंड विद सी, इट मीन्स इसको अगर खोलोगे तो लिखोगे ए बी बी सी एंड सीन, और लास्ट में आपने क्या कर दिया, जे टू को जिस लेबल से डिजाइन लेने की शुरू किया था उसी लेबल से आपने क्या कर दिया, एंड कर दिया। तो ये जो पार्ट है वो है तो जनरेट और यूजिंग क्या है, फोर, ठीक है, लेकिन इस पार्ट के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉन्करेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट। सो हम जनरेट को कॉन्करेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फोर जनरेट, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट है आपका कि आप जनरेट को इफ के साथ कैसे यूज करेंगे, जो पिछले वाली दो प्रोग्राम्स थे वो फोर के साथ थे, अब अगर इफ के साथ यूज करना है तो जनरेट जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन करवाता है ड्यूरिंग इलेबोरेशन टाइम पे, ठीक है। तो अगर कंडीशन के अगर कंडीशन रखना है तो आपको इफ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ के लिए आपने सबसे पहले बता दिया कि हम प्रोग्राम के लेटर पार्ट में इफ जनरेट यूज करेंगे, ताकि जो प्रोग्राम के लेटर पार्ट में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो विद द हेल्प ऑफ योर कंडीशनल एग्जीक्यूशन के ऊपर बेस्ड होंगी, ठीक है। तो आपने वही काउंटर फोर लिया, उसके अंदर आपकी इनपुट काउंटर क्लॉक होगी जो कि इनबिट होगी, और जो आउटपुट है काउंटर अगर चार बिट की काउंटिंग कर रहा है तो बिट वेक्टर क्या आएगा, जीरो टू थ्री, ठीक है। अब आपने बता दिया कि आपका प्रोग्राम इफ के ऊपर बेस्ड है ना कि फोर के ऊपर बेस्ड है, आपने उस कंपोनेंट को डिक्लेयर किया डी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू, काउंटर बना रहे हो तो किसी भी डी फ्लिप एक डी फ्लिप अगर काउंटर आपने चार बिट की काउंटिंग करनी है तो आप चार डी फ्लिप यूज करोगे, लेकिन एक टाइम वन टाइम डी को डिक्लेयर करने के लिए आपने क्या लिखा, कंपोनेंट डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब किसी भी डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट क्या होती है, डी, और आउटपुट क्या होती है, क्लॉक, ठीक है, और आउटपुट पे क्या आ जाएगा, क्यू एन आउटपुट, क्लियर। सो ये कंपोनेंट यहाँ क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। अब देखो इसने यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट टाइम उसने पहले इफ, उसने यहाँ पे कहीं भी एंड इफ या एल्स इफ यूज नहीं किया, इट मीन्स जनरेट स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन तो यूज होगी बाय द यूज ऑफ इफ, लेकिन उसके अंदर कभी भी इफ या एल्स इफ स्टेटमेंट यूज नहीं होगी, क्लियर। तो इसके अंदर जनरेट के अंदर जाके आपने फोर के थ्रू के को बता दिया कि जनरेट जो है वो चार बिट काउंटर के अंदर जनरेट चार टाइम चलेगा,
जिसमें के की वैल्यू क्या होगी 4023 जनरेट। ठीक है, अब फर्स्ट आपने के की वैल्यू क्या रखी है, अगर के जीरो है तो किसके लिए चलेगा आपका, डी जीरो के लिए, फर्स्ट फुल फ्लॉप के लिए। तो फर्स्ट फुल फ्लॉप को जब काउंटिंग में लेके आओगे तो उसकी काउंट इनपुट होगी, क्लॉक आउटपुट होगी और वो एक आउटपुट जनरेट करेगा क्योंकि अब इसकी जो आउटपुट है वो नेक्स्ट की क्या बन रही है, इनपुट बन रही है। तो नेक्स्ट बार आपने लूप चलाया जनरेट का, एंड जनरेट किया फर्स्ट के लिए, अब एंड जनरेट यहाँ करने के बाद आपने जनरेट चलाया फ्रॉम 1 to 3, 1 to 3 मतलब कि जिसमें के की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ से क्या लिखा है, K-1, इट मीन्स यहाँ वो 1 to 3 के लिए प्रीवियस स्टेज की जो आउटपुट होगी K-1 वो इसकी इनपुट बन जाएगी, क्लियर, इसके लिए वो K-1 लिखा जाएगा, देन क्लॉक और आपकी आउटपुट आ जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पे जनरेट किसके लिए चल रहा है, फ्रॉम 1 to 3 के लिए। तो इस तरह क्या हुआ कि किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर के की वैल्यू 0 है तो ये वाला चलेगा, अगर के की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है तो ये वाला चलेगा, क्लियर। तो आपकी इफ स्टेटमेंट ने आपके दो कंडीशनल एग्जीक्यूशन, कंडीशनल स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन की ड्यूरिंग द एलेबोरेशन टाइम विद द हेल्प ऑफ योर जनरेट के इज इक्वल टू 0 व्हेन द जनरेट व्हेन के इज ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड जनरेट किया देन एंड इफ जनरेट। तो यहाँ एक चीज नोटिस किया आपने, यहाँ कहीं भी इफ या else if स्टेटमेंट का यूज नहीं हुआ, इट मीन जनरेट विल बी ओनली बेस्ड ऑन योर इफ स्टेटमेंट। सो अगर आप इफ वर्ड यूज कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेगा, उसके अंदर कंडीशनल एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट यूज होंगी, लेकिन अगर फोर है तो दैट विल बी यूज एज एन रेप्लीकेटिव स्टेटमेंट इन योर लेटर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विच विल आई डिस्कस इन माई प्रीवियस स्लाइड। अब वो ये कहता है कि अगर आपने जनरेट में किसी तरह का डिले देना है, जैसे मान लो आपने किसी प्रोग्राम के अंदर 4 to 5 टाइम जनरेट स्टेटमेंट यूज किया है, तो आपके जेड की वैल्यू, जेड को वैल्यू, जैसे मान लो फर्स्ट टाइम इफ द यूजर वांट्स अ लो डिले टू जनरेट, तो लो डिले अप टू, यानी कि एक जो वैल्यू जेड को साइन करेगा आफ्टर 2 नैनोसेकंड के बाद, तो एंड जनरेट हो जाएगा। इट मीन्स हर बार जब भी प्रोग्राम के अंदर ए के ऊपर इवेंट अकर होगा और वो जनरेट का पार्ट है, तो 2 नैनोसेकंड के बाद ए की वैल्यू किसको साइन हो जाएगी, जेड को साइन हो जाएगी। अगर आपने कोई मीडियम डिले देना है तो आप ए को वैल्यू साइन करोगे इन योर जनरेट पार्ट After 10 nanosecond. अगर आपने हाई वैल्यू का जनरेट देना है तो आप 25 nanosecond के बाद A की वैल्यू साइन करोगे Z, क्लियर। सो इफ जनरेटमेंट स्टेटमेंट डज नॉट हैव एनी एल्स और एल्स इफ ब्रांच, क्योंकि इसके अंदर कोई इफ या एल्स इफ ब्रांच नहीं है, इसलिए यह डिले के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो अगर आपकी जनरेट स्टेटमेंट किसी प्रोग्राम के अंदर 2 से 3 बार यूज हो रही है, तो कई बार क्या होता है कि फर्स्ट जनरेट की जो आउटपुट आ रही है वो उसने नेक्स्ट टाइम जब वो लूप चलता है जनरेट वाला, तो उसमें उसका रिजल्ट काउंट होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने एल्स इफ तो यूज किया ही नहीं है, तो हम डिले करवा देंगे ताकि फर्स्ट जनरेट की जो आउटपुट है वो नेक्स्ट की इनपुट बनने में उसको प्रोसेसिंग टाइम में कुछ लाइक टाइम मिल सके, ताकि फर्स्ट का आउटपुट मिलने के बाद ही नेक्स्ट की क्या हो, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो। तो उस केस में हमारा डिले क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज कोरियर अलाइजेस। व्हाट डू यू मीन बाय अलाइजेस? अलाइजेस क्या होते हैं कि जैसे सपोज करो कि अलाइजेस किसी भी लाइक एन अलाइज डिक्लेयर्स एन अल्टरनेटिव नेम फॉर ऑल, एन अलाइजेस डिक्लेयर अ अल्टरनेटिव नेम फॉर ऑल पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पार्ट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है उसको पहले तो एक अल्टरनेटिव नेम प्रोवाइड करते हैं, ऊपर से अगर कोई बड़ी नोटेशन में कोई चीज दी हुई है उस लॉन्ग नोटेशन की लाइक फिनोमिने को ये बड़े फ्लेक्सिबल वे से बताते हैं कि सपोज करो कि अगर हमारा, जैसे सपोज करो हमारी डाटा वर्ड की लेंथ है फ्रॉम 0 to 31, तो 0 से लेकर 31 में एवरी बिट किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको हम एनालिसिस के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि इट आल्सो प्रोवाइड अ मैकेनिज्म ऑफ रेफरिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट वे, कि आप सेम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वे से अपने कॉन्टेक्स्ट में किस तरह यूज कर सकते हो, दैट विल बी आल्सो क्लियर विद द हेल्प ऑफ योर अलाइजेस। जैसे सपोज करो कि आपने एक सिंगल एस नाम से डिक्लेयर करवाया जिसकी वैल्यू है 31 down to 0, तो देखो अगर वो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि उसका जो 0 से लेकर 23 वाला पार्ट है वो हमें मेंटीसा बता रहा है, 23 से 30 वाला क्या बता रहा है, एक्सपोनेंट बता रहा है, और 30 से 31 क्या बता रहा है, उसका साइन बता रहा है, क्लियर।
तो हम क्या करेंगे, ऐसी सेम, और अगर आपने किसी प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ अलाइज, तो आप कैसे करेंगे कि 0 से लेकर 18 तक उसका ऑफसेट बता रहा है, 18 से लेकर 23 तक उसका बेस एड्रेस बता रहा है, 23 से 6 तक वो उसकी रजिस्टर वैल्यू बता रहा है, और 26 से 31 तक वो ऑपकोड बता रहा है, ठीक है। तो अलाइज क्या करता है, इन सभी पार्ट को एक ही स्टेटमेंट्स के थ्रू क्लियर करवा देता है कि इसमें अगर आप इस पर्टिकुलर बिट के अंदर आ रहे हो 24, तो 24 उसका मंटीसा बताएगा, क्लियर, नहीं सॉरी 20 0 से 23 में अगर 22 आ रहा है, 22 उसका मंटीसा पार्ट बताएगा। अगर आप 30 यू कैन से 29 पे काम कर रहे हो, तो वो एक्सपोनेंट के अंदर आएगा, ठीक है। अगर वो 30 से लेकर 31 के अंदर कोई बिट ले रहा है, तो वो उसकी साइन बिट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो, सपोज करो यहाँ पे उसने अलाइज वर्ड लिखा है, रीसेट बिट इज डाटा वर्ड 4, इट मीन्स डाटा वर्ड की जो फोर्थ बिट है वो बिट टाइप का फिनोमेना है, इट मीन्स वो 0 होगी, और किसको डिनोट करेगी, वो रीसेट को डिनोट करेगी। तो दैट थिंग विल बी क्लियर बाय योर अलाइज, ठीक है। ऐसे ही डाटा वर्ड की जो फिफ्थ बिट है, ठीक है, वो आपके रिसीवर के रेडी होने का आपको बताएगी कि 5वीं नंबर बिट को हम किस लिए यूज कर रहे हैं, रिसीवर रेडी के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखती कि अलाइज माइक्रो ऑपरेशन, या अलाइज माइक्रो जो भी है उसमें जो ये 24 नंबर बिट है वो क्या बता रही है, आपका बेस एड्रेस बता रही है, क्लियर। तो इस तरह आप किसी भी चीज को मोर एक्यूरेटली वे से, लाइक लॉन्ग जो फिनोमिना है उसको एक क्लियर कट वे से विद द हेल्प ऑफ अलाइज बता सकते हो कि कौन सी बिट किस तरह किस वे से यूज हो रही है। तो उसने यही तो लिखा हुआ है कि रीसेट कैन बी यूज व्हेन एवर डाटा वर्ड इज 4 इज यूज एंड सो ऑन। सो हियर वी कम विद योर क्वालिफाइड एक्सप्रेशन, द टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड बाय द क्वालिफाइंग द एक्सप्रेशन विद इट्स टाइप, क्लियर। सो अपार्ट फ्रॉम इट्स टाइप चेकिंग यूजफुलनेस, टाइप क्वालिफिकेशन कैन बी यूज टू क्वालिफाई टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन हुज टाइप कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम देयर कंटेक्स्ट। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर आप क्वालिफाइड एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो उस केस में आपको सबसे पहले ओवरलोडिंग का पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय सब प्रोग्राम ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ओवरलोडिंग आपके बीएचडीएल के अंदर दो तरह की होती है, वन इज कॉल्ड योर ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड अनदर वन इज कॉल्ड योर यू कैन से सब प्रोग्राम, और यू कैन से फंक्शन ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन ओवरलोडिंग यूज कर रखी है। उसके अंदर जो क्वालिफाइड एक्सप्रेशन है वो आपका हेल्प करेगा कि आप, जैसे मान लो उसने प्रोसीजर फर्स्ट जो है उसका नाम है करेक्टर टू इंट, और दूसरे प्रोसीजर का नाम भी क्या है, करेक्टर टू इंट। तो आप उस टाइम में कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे इसको एग्जीक्यूट करवाना है फर्स्ट को या सेकंड को एग्जीक्यूट करवाना है, क्लियर। तो जब आप रन टाइम सिमुलेशन में आते हो, तो वो ये कहता है कि करेक्टर टू इंट 1 to n, तो इट इज एम्बिग्यूस फॉर यू, नॉट क्लियर विच ओवरलोडेड प्रोसीजर इज टू बी कॉल्ड। तो आपने, आपको पता नहीं चल रहा है कि 1 to n में आपने इसको कॉल किया है या इसको कॉल किया है, क्योंकि दोनों का नाम क्या है, सेम है, लेकिन पैरामीटर क्या है, डिफरेंट है। तो अगर मैं एक पैरामीटर को साथ में डिफाइन कर दूं, यानी कि वो करेक्टर है तो फर्स्ट होगा कॉल, अगर वो इंट है, सॉरी बिट है, तो वो सेकेंड कॉल होगा। तो आप उसको क्वालिफाइड एक्सप्रेशन में इस वजह से लिखेंगे करेक्टर 1 to n, सो दैट वैल्यू शो योर क्वालिफाइड एक्सप्रेशन, सो दैट इज क्लियर विच प्रोसीजर इज कॉल एट दैट पर्टिकुलर टाइम, क्लियर। अगर यहाँ पे बिट लिखोगे तो आपका सेकेंड प्रोसीजर कॉल होगा ये वाला, अगर यहाँ पे आपने करेक्टर लिखा है तो आपका फर्स्ट प्रोसीजर कॉल होगा, ठीक है। तो दैट थिंग विल बी क्लियर बाय यूज ऑफ योर क्वालिफाइड एक्सप्रेशन। सो आई थिंक ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इन माई टूडे टॉपिक आई विल कवर द सेवरल टॉपिक, आई विल रिव्यू माई लेक्चर, दैट इज एंटिटी स्टेटमेंट। जो मैंने ये बताया कि एंटिटी स्टेटमेंट आपका डिक्लेरेशन का पार्ट है, जो कि आपकी कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स को कैरी करता है, लेकिन ये स्टेटमेंट्स क्या होती है, पैसिव होती हैं, ये किसी को कोई सिग्नल वैल्यू असाइन नहीं करती हैं। लेकिन हम इन स्टेटमेंट्स को जो है अपने किसी भी डिजाइन नोट्स के साथ क्या करवा सकते हैं, शेयर करवा सकते हैं, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जनरेट स्टेटमेंट। जनरेट स्टेटमेंट के बारे में मैंने क्या बताया है कि जनरेट अगर रेप्लिकेटिव वे से यूज हो रही है तो वो फोर के थ्रू यूज होंगी, अगर वो कंडीशनल एग्जीक्यूशन बेस्ड कर रही है तो वो इफ के थ्रू होंगी। उसका एग्जाम्पल मैंने फुल एडर के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है। अलाइजिस क्या करता है, किसी भी लॉन्ग टर्म एक्सप्रेशन को बड़े इजिली वे से एक्सप्लेन करता है कि इसमें कौन सी बिट किस कोज के लिए पर्टिकुलर टाइम में यूज हो रही है, क्लियर।
clear and qualified expression that will be clear your ambiguous condition whenever your sub program or you can say function should be overloaded. In that case, that phenomena should be clear with the help of your qualified expression. So I think आपको ये चीजें clear होगी होंगी. Exam में आप किसी भी VHDL के question paper को उठा के देखना, आपको हर बार ये statement जरूर मिलेगी. Write a short note on your generate or on your analysis or also on your qualified expression. तो आपको ये चीजें मैंने अपनी तरफ से बड़े अच्छे से explain करने की कोशिश की है. अगर फिर भी आपको कुछ doubt रह सकता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. So that will be explained by me one by one. तो मैक्सिमम जो होता है कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि आप जनरेट स्टेटमेंट या जनरेट फॉर या जनरेट इफ में डिफरेंस बताइए कि कैसे यूज हो रहा है. तो आप किसी प्रोग्राम के थ्रू बड़े अच्छे से बता सकते हैं या यूज ऑफ अलाइजेस इन योर प्रोग्राम या विद द हेल्प ऑफ यू कैन एक्सप्लेन द अलाइजेस या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन योर अलाइजेस एंड क्वालिफाइड एक्सप्रेशन और एंटिटी स्टेटमेंट and how the entity statement part will be shared by other design unit. Clear? So that thing will be clear here. Thank you very much.